चल देखते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में, जाने का प्रोसेस क्या है। अबे एंट्री की प्रोसीजर पता नहीं है और 1 करोड़ रुपए जीतने की बात कर रहा है, इतने कॉन्फिडेंस से किसी की नजर ना लगे। अब ये क्या है? ओपन चैलेंज, साबित करो कि भूत है या नहीं। अगर साबित कर दिया तो मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान और भूत दोनों होते हैं, और कुछ का मानना है कि यह भ्रम है। ये बहस 100 सालों से चली आ रही है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बहुत ही बड़े प्रोफेसर श्री KL नारायण ने साइंस वर्सेस घोस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और ये ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जो ये साबित करेगा कि भूत होते हैं उसके लिए 5 करोड़ का इनाम घोषित किया गया है। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो संपर्क करें इस एड्रेस पर, KL नारायण, जुबली हिल्स। मिल गया 5 करोड़ जीतने का रास्ता, चल मेरे साथ। कहाँ? तुमने फोन किया था? इंटरनेट पर पढ़ा था कि आप उसे 5 करोड़ देंगे जो साबित करेगा कि भूत है। सर एक बात पूछूं, ये साबित होने से आपको क्या मिलेगा, आपका क्या फायदा, आप पैसे क्यों दे रहे हो? सर ये बात पूछनी थी। दरअसल जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है मेरे सब्जेक्ट में से कम सवाल पूछे जाते थे, और सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता था कि दुनिया में भूत या सुपर पावर्स होती हैं या नहीं। साइंटिफिकली ये बात साबित करने के लिए हिमालय पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तपस्या की, काशी के संत और गुफाओं में अघोरीज ने की, बल्कि मैंने भी बहुत सारे भूत प्रेत देखे, पर कोई फायदा नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं मिला। जब जब ख्याल आया जाने दो, हर बार मन ने कहा कि भूत होते हैं। बाप रे। मैंने सुपर नेचुरल पावर्स पर यह किताब भी लिखी है। ये सवाल बार बार मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि भूत होते हैं या नहीं, और मुझे चैलेंज करता है कि मैं ये जवाब नहीं दे सकता। तो मैंने एक फैसला किया, अमेरिका की रैंडी संस्था की तरह भारत में भी एक ऐसी ही संस्था की स्थापना की जाए, इसलिए मैंने यहां साइंस वर्सेस घोस्ट की स्थापना की। और मुझे पूरा यकीन है कि कोई इनाम के लालच में आकर सच में साइंटिफिक सबूत जुटाकर यहां आ ही जाएगा। किस तरह का सबूत चाहिए आपको? फोटोज, वीडियोस, ऑडियोस, एनीथिंग। सर भूत होते हैं, मैंने कई बार देखे हैं, मैं आपको सबूत लाकर दूंगा। बहुत से लोगों ने ऐसा कहा, पर जानते हो वो सिर्फ ग्राफिक्स लाए, ये देखो रैक्स में ढेर लगा हुआ है। अच्छा सर आप 5 करोड़ रुपए कैसे देंगे, चेक में या कैश में? ट्रांसफर करवा ले। और TDS काटेंगे तो मैं GST का बिल दूंगा। तो डील पक्की सर, चलते हैं सर। सर सबूत लाने के बाद मजाक तो नहीं उड़ाएंगे ना? मजाक? मजाक क्यों उड़ाएंगे? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर, चल जल्दी चल, मैं कैसे भी करके भूत को पकड़ लूंगा। हाँ भूत खुद चल के आएगा ना। अमावस्या की रात को 12 बजे पैदा हुआ था मैं, मुझे भूत पक्का दिखेंगे। लेकिन प्लान क्या है तेरा? कैमरा लेकर कब्रिस्तान जाएंगे, फटाफट फोटो खींचेंगे, प्रिंट निकलवा कर प्रोफेसर को देंगे, काम खत्म। हाँ भूत माल्या की मॉडल्स है ना, बड़ा आया। चुप कर, जो पैसे मिलेंगे उसमें से 10 लाख दूंगा, अपना उधार चुकाने के बाद बाकी पैसे उधार पर दे देना। अरे यार पता नहीं ऐसा हो पाएगा या नहीं, पर सोच के मजा आ रहा है कि अनसेंसर्ड वीडियोस देखने का घर पे मजा लूंगा, वो भी 5D पर। हाँ तो तैयार है ना, हम 10 बजे कब्रिस्तान जाएंगे। हाँ, क्या कहा? मैं क्यों कब्रिस्तान जाऊंगा? अरे भूत को पकड़ने, और क्या। ए भाई इस मामले में मुझे बख्श दे, मुझे इस बात से बहुत डर लगता है, मैं तो अपने दादा के क्रियाकर्म के लिए अभी कब्रिस्तान नहीं गया था। मैं नहीं जाऊंगा, तू ही जा। नहीं जाएगा? नहीं नहीं जाएगा, बोला ना नहीं। 1 लाख दूंगा बस। अरे नहीं यार ये तो गलत बात है। तो सुन, साथ चलेगा तो पैसे में हिस्सा मिलेगा, नहीं तो जा उस यादव के पास, चटनी बनाएगा तेरी। कैसा दोस्त है ये, किस्मत ही खराब है मेरी। प्रैक्टिस करती रहो बेटा, ठीक है ना? तो चलो करो करो ना। क्या हुआ बेटा?
क्या हुआ? मधु को बुलाओ, इसे तो लिखना नहीं आता, फिर ये किसने लिखा? आज का हमारे ये शो समाज में व्याप्त अंधविश्वास के ऊपर है। प्रजा चैतन्य वर्धी एक ऐसी संस्था है जो लोगों के अंधविश्वासों को दूर करती है और उनमें जागरूकता लाती है। जिन्होंने संस्था को खड़ा किया है वो है मिस्टर राजा रेड्डी साहब। नमस्ते सर, मेरे शो में आपका स्वागत है। नमस्ते। मैंने सुना है कि प्रजा चैतन्य वर्धी के लिए आपने अपनी जॉब छोड़ दी, अंधविश्वास को दूर करने के लिए आपने अपने व्यक्तिगत जीवन को भी दांव पर लगा दिया, इन सब के लिए आपको प्रेरणा कहां से मिली? मैं एक गांव में पैदा हुआ। मेरी बड़ी बहन को बचपन में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई थी। उन दिनों मेरे पेरेंट्स को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं था। उन्हें लगा उसके अंदर भूत है और वो उसे एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने भूत भगाने के चक्कर में छड़ी से मार मार कर उसे बहुत दर्द पहुंचाया। मेरी बहन बहुत रोती थी। कुछ दिनों बाद उसने सुइसाइड कर लिया और वो मर गई। मैं बहुत दुखी हुआ। उसकी मौत से मुझे बहुत गहरा सदमा लगा। जहां तक इन अंधविश्वासों का सवाल है, ये ज्यादातर गांव और अनपढ़ लोगों के बीच में ही होता है ना सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यही तो हमारा भ्रम है। 2 रुपए के नींबू पर कुमकुम लगाकर 2000 में बेचते हैं ये तांत्रिक और खरीदते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अंकल, इंटरव्यू कमाल है। हाय बेटा। हाय डैडी। हाय। जिम खत्म नहीं होगा तुम्हारा? तभी तो इसका नाम जिमर है। इस बार बॉडी बिल्डिंग में स्टेट चैंपियनशिप जीतूंगा प्रिया। पहले ही 3 बार फेल हो चुका है। इस बार दिखा दूंगा ब्रो। लो आ गई तुम्हारी माँ। कुछ लोग कहते हैं कि उनके घर में भूत है और उसके चक्कर में मम्मी के लिए उपाय भी करते रहते हैं। मैंने प्रार्थना की है आपके घुटने का दर्द चला जाए, आरती लीजिए। अरे घुटनों का दर्द तो धीरे धीरे दवाइयां लेने से ही दूर होगा। भला ये पूजा पाठ से कोई दर्द जा सकता है? कब समझोगी तुम ये बात? आपके घुटनों के दर्द के लिए मैंने भगवान से मन्नत मांगी है, समझते क्यों नहीं? मैंने हजारों लोगों के अंधविश्वास को दूर किया है, पर पिछले 30 सालों में तेरी माँ के अंधविश्वास को दूर नहीं कर पाया मैं। आरती, मम्मी के लिए? मेरे लिए? तुम्हारे लिए। हाँ। घर की शांति के लिए। इस कब्रिस्तान में हमारी ही कब्र ना खुद जाए। ओए, मैं हूँ ना। क्यों? मेरी कब्र पर मिट्टी डालने के लिए? नौटंकी बंद कर और चल। एक बार और सोच ले यार, डर के मारे जान निकली जा रही। अरे जीजा। हा? जी तुम यहाँ कैसे? ये गले में हेडफोन्स, हाथ में कैमरा, ये वायरस आ रहे, नए फार्म हाउस में क्यों नहीं आए तुम? मैं बिजी था इसीलिए नहीं आ पाया जीजा जी। बिजी थे? कौन सा काम कर रहे हो जो इतने बिजी हो? अच्छा सुनो, टाइम निकाल कर घर आओ कभी, तुम्हारी बहन याद कर रही थी। ठीक है जीजा जी, इसको भी साथ ले आना। जी बाय। चलो बाय। बाय। चलो तू आगे चल। ओए, डर क्यों रहा है? अबे तूने क्या मुझे अपने घर पे बुलाया खाना खाने के लिए? ये कब्रिस्तान है। थोड़ी हिम्मत रखेगा ना, माँ लक्ष्मी बरसेंगी तुझ पर। लक्ष्मी माता का तो पता नहीं, लेकिन लगता है भूत जरूर बरसेंगे यहाँ पे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर सती लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जावे नाम सुधार। उल्लू है यार, चल। बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है यार, मत जा प्लीज। अरे मैं सच कर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। भूत ने मारा, तुझे क्या हुआ? भूत पेड़ों पर लटकते हैं। अच्छा? हे भगवान, मुझे तो लगा था कि पेड़ों पर सिर्फ फल लटकते हैं, भूत भी लटकते हैं पेड़ों पर। मैं तो खुशी खुशी पार्क में पेड़ों के नीचे घूमता था, और अब तू मुझे कब्रिस्तान में पेड़ों के नीचे घुमा रहा है। ओ भूत राजा, दिख भी जा, 100 नारियल दूंगा तुझे। मिल गया, मिल गया। ओ, 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 ये तो कुछ पागल है। देख, यहाँ कोई भूत भूत नहीं है। चल दूसरे कब्रिस्तान में चलते हैं। अरे ऐसे कितने कब्रिस्तानों में घुमाएगा तू?
अगर प्लॉट खरीदना है तो यहीं पर खरीद ले। अच्छा देखिए, ये बाबा लोग कैसे जादू दिखाते हैं, जरा देखिए कैसे मैं अपने पेट से शिवलिंग निकालता हूं। यह है उनकी सिंपल सी ट्रिक, लेकिन हमारी जनता बेवकूफ है जो उन्हें भगवान समझती है। बाबा ये सब करने से पहले माहौल बनाते हैं, एक दो बार पानी पिएंगे ऐसे, फिर मुंह से पानी पहुंचने के लिए वो लोग रुमाल के अंदर ऐसा एक शिवलिंग रखकर अपने मुंह के अंदर डाल देंगे ऐसे, फिर ऐसे दिखाएंगे जैसे उन्हें जोर से उल्टी आ रही है ऐसे। अब तीसरी बार में वो अपने मुंह के अंदर रखा शिवलिंग बाहर निकाल लेंगे। That's it. अगर आपको लगता है कि आपके घर में भूत है तो मुझे फोन कीजिए, मैं आऊंगा, मैं आपके घर में ही रहूंगा और ये साबित करके ही वापस जाऊंगा कि वहां कोई भी भूत नहीं है। आप मेरा नंबर लिख लीजिए। ये राजा रेड्डी की स्पीचेस कमाल की होती है। ये जो कहते हैं वो सच होता है 100%। पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, रात में मुझे किसी की चीखने की आवाजें आती हैं, रात भर सो नहीं पाती, मुझे लगता है हमारे घर में भी भूत का साया है। सपना, नई जगह है ना, शुरू शुरू में ऐसा लगता है। मेरे ऑफिस का टाइम हो गया, चलता हूँ, बाय। प्लीज इन तांत्रिकों के पास मत जाइए, भूत जैसा कुछ नहीं होता। इस घर में कुछ तो है, मुझे बहुत डर लगता है। हाँ। मैं काम नहीं करूंगा, आप मुझे पगार भी बहुत कम देती हैं। अरे ऐसा मत करो, प्लीज काम मत छोड़ो, मैं तुम्हारा पगार बढ़ा देती हूँ ना। ठीक है, अब नहीं जाऊंगा मैडम।